हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की रेसिपी है अंडा कढ़ी। अंडा कढ़ी है, अंडा कढ़ी तो आप लोगों ने बहुत तरह के खाए होंगे। नहीं, सबका अपना अपना बनाने का वो तरीका होता है, तो मैं अपने घर में ऐसे ही बनाती हूँ। तो आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को, अंडा कढ़ी को। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, कि ताकि मुझे आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो इन्जॉय करें। तो मैंने ले ली है कढ़ाई, गर्म हो गई है। उसमें आप उबले हुए आलू, उबले हुए अंडे फ्राई करेंगे। तो ये मैंने तेल गर्म हो चुके हैं और ये मैंने उबले हुए बॉयल अंडे में थोड़े फ्राई कर लीजिए। अंडे में आप अगर ऐसे ये कट लगाएंगे तो अंडे ये फटेंगे नहीं, स्मूथली फ्राई हो जाएंगे। तो ये मैंने अंडे फ्राई करके डाल दिया है। देखिए हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, इसे दूसरी प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, दो चौकी हुई प्याज। अब हम इसे ब्राउन कर लेंगे प्याज को, जब तक हमने नहीं जब तक ये ब्राउन ना होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी प्याज है जो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो मैंने पेस्ट बना लिए हैं, लहसुन अदरक गोल मिर्च जीरा और धनिए का मैंने ये पेस्ट बना लिया। अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी मिर्च पाउडर, थोड़ी धनिया पाउडर। अब हम इसको भूनेंगे, जब तक मसाला अच्छी तरह से भुना जाए तब तक हमने भुनेंगे फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरे मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें एक चॉप हुए टमाटर डालेंगे। उनसे आपस में मिला लेंगे। उनसे टमाटर को गलने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारे मसाले और टमाटर सारे गल चुके हैं, भून चुके हैं। तो थोड़ी सी इसमें हरी मटर यूज़ करेंगे। हरी मटर और अंडे की सब्ज़ी आप एक बार फ्राई जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। अब इसे थोड़ी देर ढक कर पका लेंगे। देखिए अब हमारी मटर पक चुकी है। मैंने आटे फ्राई किए थे, इसको फ्राई करती हूँ। अब इसे पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के पका लेंगे ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। ग्रेवी के लिए हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, ये हमें चाहिए। अब हम इसमें थोड़ी धनिया के पत्ते डालेंगे। अब हम इसे चाहे चावल, राइस, पराठे, रोटी किसी भी सब्जी आप खा सकते हो। ये देखिए दोस्तों हमारी अंडे की सब्ज़ी है। अब आप इसे पराठे के साथ यूज़ इन्जॉय कर सकते हो। मैंने तो इसे पराठे के साथ इन्जॉय किया है।